तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी प्रश्नों वाली 3.3 को हल करने वाले। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 3.2 हल करा दिया था। आज हम लोग 3.3 पे चर्चा करते हैं। 3.3 को हल करने से पहले इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर वीडियो को कर देते हैं हम स्टार्ट, ज्यादा देर नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसमें विभाज्यता का नियम, इस पूरी प्रश्नावली में केवल आपसे विभाज्यता का नियम पूछता है। आप कहोगे विभाज्यता का नियम है क्या? देखिए, कई बार हम लोग किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो भाग की प्रोसेस काफी ज्यादा लंबी हो जा सकती है। ऊपर से हम ऐसे देख के कैसे बताएं, सपोज करिए अगर ये ऐसी कोई संख्या लिखी हुई है, कैसे आप देख के बताएं कि यह संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चों को विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो वो इसे काटने की कोशिश करेगा, भरपूर कोशिश करेगा, और अगर किसी बच्चे को विभाज्यता का नियम पता है तो उसे काटने की कोशिश नहीं करेगा, बिना देखे बताएगा भाई ये कटेगा नहीं, उत्तर दशमलव में आ जाएगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि उसे विभाज्यता का नियम पता था। तो इसीलिए यहाँ पे हम सबसे पहले विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर आइए दिखाते थे आप लोगों को, बताते हैं। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए। विभाज्यता जो 2 से विभाज्यता का नियम है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो दी हुई संख्या हमारी किससे विभक्त होगी? दी हुई संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। एग्जांपल देख लो, अगर यहाँ 34 लिखा है, इसे काटते हैं, देखिए 2 × 9 = 2, 1 = 214, देखिए पूरा कट गया, लास्ट में 4 था ना, है यहाँ। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इन पांचों में से कोई एक है तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। आइए 3 की विभाज्यता पे नियम आते हैं। अब बताते हैं आपको 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी हुई संख्याओं का योग, दी हुई संख्याओं को जोड़ लीजिए, यदि वह 3 से विभाज्य होगी तो प्राप्त संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य होगी। अगर सपोज करिए कोई कृत्रिम संख्या लिखी हुई है, ठीक है, ये एक संख्या है, अगर आप इनकी सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इनकी सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, अगर इनकी सभी संख्याओं को जोड़िए, ऐसे जोड़िए, देखिए 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 11, 11 × 9 क्या हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 से विभक्त होने वाली संख्या आती तब यह संख्या 3 से कट सकती थी, लेकिन अभी अगर आप भाग दोगे तो यह 3 से नहीं कटेगी, उत्तर दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ हम कर देते हैं 4, क्या कर देते हैं 4। अब आप जोड़िए, चलिए जोड़ते हैं इसको, 4 × 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 × 2 = 9, 8 × 9 = 17, और 17 × 4 = 21। अब बताइए 21 3 से कट जा रहा है, पूरा पूरा कट गया ना, यानी अब प्राप्त संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। यही होता है विभाज्यता का नियम कि जो दी हुई संख्या होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तभी वह संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जस्ट यही नियम आपका 9 के ऊपर भी लगेगा। 3 और 9 से विभाज्यता का नियम एक ही है, मैंने बताया दी हुई संख्याओं के अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो प्राप्त संख्या हमारी 3 से कटेगी, ठीक है। और 9 से भी यही है कि जो संख्याएं दी हो उसको आप उनके प्रत्येक अंकों को जोड़ लीजिए, अगर उसे 9 से काटिए और वो कट जाए तो फिर जो संख्या रही होगी वह 9 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो यहीं पर मैंने आपको 9 का भी कंप्लीट करा दिया और 3 का भी कंप्लीट करा दिया। तो आइए चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको 2, 3, 9 वाला समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 4 से विभाज्यता के नियम पे। 4 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, इस नियम में देख लो, ये नियम भी बहुत अच्छा है, इस प्रकार से समझो तो बहुत आसान है। कैसे है तो प्राप्त संख्या, प्राप्त नहीं दी हुई संख्या, ठीक है, दी हुई संख्या यदि कोई संख्या लिखते हैं, दी हुई संख्या मान लीजिए इसको हमें बताना है बिना भाग की प्रक्रिया की, ये बताइए क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो अब आप कैसे करोगे बिना भाग की ये बताना है, तो इसी वजह से विभाज्यता का नियम बना है, नहीं तो ना बनता ना।
तो देखिए अगर चार्ज विभाजकता का जो नियम होता है ना कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट का दो अंक पीछे के दो डिजिट कितने डिजिट पीछे के दो डिजिट अगर चार से विभाज्य हैं तो देखिए 32 लास्ट का दो अंक 32 चार अठे 32 अगर किसी भी संख्या के पीछे के दो डिजिट चार से विभाज्य होंगे तो प्राप्त संख्या भी हमारी चार से विभाज्य हो जाएगी। तो देख लीजिए यानी ये पूरी संख्या हमारी चार से कटेगी, नहीं विश्वास तो भाग दे के देख लो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये था चार से विभाजकता का नियम। आठ से विभाजकता का नियम यहीं पे देख लीजिए, जस्ट इसी के जैसे सेम मिलता उलता है। कैसे आठ से विभाजकता का जो नियम होता है ना, अगर लास्ट की तीन संख्या आठ से विभाज्य है तो दी हुई संख्या हमारी आठ से विभाज्य हो जाती। चलिए इसको अभी थोड़ा सा बाद में बताएं। तो आई होप चार का समझ गया होगे कि लास्ट का दो डिजिट लेना और भाग देना, अगर कट जाए तो बता देना कि भाई यह चार से कटेगी, और अगर वो दो डिजिट ना कटे तो बताना नहीं। पांच से विभाजकता का नियम देखो बहुत ज्यादा सिंपल, शायद बहुत सारे बच्चों को पता हो, पता है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था क्या यही विभाजकता का नियम है, ये नहीं पता था ना। देखिए अगर किसी संख्या के अंत में जीरो या पांच आए तो वह संख्या पांच से विभाज्य हो जाती है। किसी संख्या के अंत में जीरो या फिर पांच आ जाए तो वह संख्या पांच से विभाज्य हो जाती है। जैसे कि ये देखिए भाग दीजिए पांच से, पांच चौके 20, रिमाइंडर कुछ नहीं है, इधर पांच से भाग दीजिए, देखिए पांच छह 30, दो बचा पचहम 25, चार बचा पांच अठे 40, तीन बचा पांच सत्तर 35, दो बचा पचहम 25, रिमाइंडर फिर क्या आ गया जीरो आ गया। तो किसी संख्या के लास्ट में यदि जीरो और पांच है तो प्राप्त संख्या भी हमारी क्या होगी, पांच से विभाज्य होगी। तो ये पांच से विभाजकता का नियम था। आइए छह से विभाजकता का नियम बताते हैं। देखिए छह से विभाजकता का नियम, अभी मैंने आपको दो से और तीन से विभाजकता का नियम बताया था कि नहीं, तो आप ऐसे कर लीजिए इसको, इसका आप अगर गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आएगा दो गुणे तीन, क्या आएगा दो गुणे तीन, इससे मतलब नहीं है, मतलब कि बस इतना जान लीजिए कि छह से विभाजकता का नियम है कि प्राप्त संख्या या फिर दी हुई संख्या अगर दो और तीन से विभाज्य होगी तो वह संख्या छह से भी कट जाती है। जैसे अभी देखिए सपोज करिए 432 लिखा हुआ है, बताना है कि यह संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप ऐसे करिए कि ये देखिए क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि 6 से विभाजकता का नियम होता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से कट जाएगी इसका मतलब वह 6 से भी कट जाएगी। तो 2 से विभाजकता का नियम, अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आए तो 2 आया है यानी ये 2 से कटेगी। तीन से विभाजकता का नियम, दी हुई सवाल के सभी अंकों को जोड़ लीजिए तो 4 3 7 2 9, और 9 को 3 से काटेंगे तो कट जाएगा यानी ये संख्या भी 6 से कटेगी। देखिए 6 6 36 और 6 7 42, एक बचेगा और 6 2 12, देख लीजिए रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, क्या आ गया जीरो आ गया। तो छह से विभाजकता का नियम कि अगर कोई संख्या दो और तीन दोनों से विभाज्य होगी तो वह संख्या छह से भी विभाज्य होगी, कैसे था मैंने आपको दिखा दीजिए। आइए अब देखते हैं आठ की विभाजकता का नियम। आठ से विभाज्यता का नियम, अगर मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है ऐसे लिखा हुआ है, अब हमें बताना है कि यह संख्या आठ से विभाज्य है कि नहीं, वो भी बिना भाग की प्रक्रिया किए। तो अब आठ से विभाजकता के नियम आप करेंगे क्या कि जो संख्या दी रहेगी उसके लास्ट के तीन अंक लेना, ले लिया लास्ट के तीन अंक, अब इसमें भाग लगाइए आठ से, किससे भाग लगाएंगे आठ से, आठ से भाग लगाएंगे तो देखिए आठ का नाम आठ, जीरो आएगा क्योंकि चार देगा फिर आठ, तो आठ छह कितना हो जाता है 48, यानी यह संख्या तो कट गई। अब देखिए अब इसे आठ से देते हैं, देखिए आठ का आठ गुणा आठ, 8 4 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ कितना बच जाएगा पांच, पांच बच जाएगा और आठ सते क्या हो जाता है 56 हो जाता है आठ सते 56, फिर आठ इतना आठ जीरो और 8 6 48, देख लीजिए अगर आठ से विभाजकता के नियम की बात करें तो जो संख्या दी रहेगी उसके लास्ट के तीन अंक अगर आठ से विभाज्य हो रहे हैं
तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, जैसा कि 4 का मैंने बताया था। जस्ट 4 के तरीके ये भी है कि 4 में क्या था कि अगर लास्ट का 2 अंक विभाज्य होगा तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। 8 में अगर लास्ट का 3 अंक विभाज्य होगा, इसमें 3 डिजिट है, तब कहीं जाके ये 8 से विभाज्य होगी। अब 9 के विभाज्यता का नियम मैंने बता दिया है। 10 के विभाज्यता का नियम है, अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 आ जाए, देखिए विभाज्यता मतलब कि बिल्कुल भी रिमाइंडर 0 आए, कोई भी मतलब दशमलव स्थान में ना जाए और कोई भी रिमाइंडर 0 के अलावा और कोई रिमाइंडर ना आए, इसलिए विभाज्यता बोला जा रहा। अगर अब मैं 10 की विभाज्यता की बात करूं तो जिस संख्या के अंत में 0 रहता है, जिस संख्या के अंत में 0 रहता है वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाती है। ना विश्वास हो तो देख लो, देखिए कट गया, क्या गया 10 और ले लो, लेकिन 0 रहना चाहिए। अब देखिए कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगी, है ना। तो जिस संख्या के लास्ट में 0 है वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 10 से विभाज्य होती। 11 से विभाज्यता के नियम की बात कर लेते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम देखिए, 11 से जो विभाज्यता का नियम है, ये सभी विभाज्यता के नियम से, मेरे अकॉर्डिंग सभी विभाज्यता के नियम से ये नियम थोड़ा अच्छा है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा प्यारा है, थोड़ा मासूम। कैसे, इधर देखिए कोई संख्या, कोई उदाहरण देखते हैं, शायद आपके प्रश्नावली में है। एक संख्या यह दी हुई है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए बताना है हमें बिना भाग किए हुए कि यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसके लिए आप करोगे क्या, इसमें सबसे पहले आप दो चीज में बांटोगे। संख्याओं को थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, बाकी आप लोग जब समझ जाओगे तो मन में ही ये काम कर सकते हो। सबसे पहला पद आप विषम मान लेना, फिर दूसरा पद सम, फिर विषम, फिर सम। देखिए अब सम विषम करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ अगर सम संख्या होती फिर भी हम विषम ही मानेंगे, क्योंकि ये विभाज्यता का नियम यही कहता है कि भाई एक प्रकार से ये पद होता है, शुरुआत हम विषम से करते हैं, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, विषम, सम, विषम, सम, ऐसे ऐसे निरंतर चलता रहता है। संख्या कोई भी हो वो मैटर नहीं करेगा। अब आपके कुछ मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम पद आप तो कह रही हो विषम, लेकिन यहाँ तो 4 दिया। अरे बच्चों एक प्रकार से समझो तो ये नहीं देख के करना है कि संख्या क्या है, हमें बस सम विषम का ऐसे पद लिख देना है, दी हुई संख्या को लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ये मैटर नहीं करता कि अगर विषम की कुर्सी है तो विषम बैठे, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। अब देखिए विषम विषम को जोड़ लीजिए, तो जब मैंने विषम विषम को जोड़ा तो यहाँ 9 आ गया, और सम सम को जोड़ा तो फिर भी 9 आ गया। इतना करने के बाद सम और विषम पदों का अंतर यदि 0 हुआ, सम और विषम पदों का अंतर 0, या तो 11 से विभाज्य होने वाली संख्या, विभाज्य होने वाली संख्या, ठीक है। क्या समझे, अगर सम और विषम पदों का अंतर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आ जाए, तभी यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहां देख लीजिए सम और विषम पदों का अंतर आ गया 0, यानी यह संख्या 11 से विभाज्य है। ये था 11 की विभाज्यता का नियम, मैंने सभी विभाज्यता का नियम बता दिया है, इस सिलेबस में केवल आपसे विभाज्यता का नियम ही यहाँ पे पूछा था। तो चलिए फिर आइए अपने प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सारा बता दिया है, वैसे भी मैंने ये सारी चीजें एक बार पढ़ा रखी है, और अगर बच्चों नहीं समझ में आया तो वीडियो ही है, वापस कर लो, कोई फेस टू फेस बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं कि उसे वापस नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान देना, 11 की विभाज्यता के नियम में आपको पहला पद विषम रखना पड़ेगा, संख्या मैटर नहीं करती है, संख्या कोई भी हो, लेकिन मुझे विषम सम विषम एक प्रकार से समझिए। तो कुर्सी जैसे घर में, मतलब एक प्रकार से समझो भाई, अगर एक कुर्सी फिक्स की गई है कि यहाँ वो फला आदमी ही बैठेगा, ठीक है, एक कुर्सी है फिक्स किया गया कि फला आदमी बैठेगा, अगर वो नहीं है तो क्या उसकी अनुपस्थिति में कोई और नहीं बैठ सकता,
बैठ सकता है। वैसे ही समझो कि जो 11 विभाषा का नियम होता है, विषम सम ऐसे पद होते हैं, संख्या जरूरी नहीं है कि विषम पे विषम ही बैठे, कोई भी बैठ सकता है, ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा। चलिए फिर आइए प्रश्नावली पे चलते हैं, आप क्वेश्चंस की कर देते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ही आपसे सबसे पहले कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है या फिर नहीं। मतलब आपको विभाज्यता के नियम का प्रयोग करके बताना है कि दी हुई संख्याएं वाकई में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से विभाज्य है कि नहीं। बाकी क्वेश्चंस आपको ऐसे साइड में इधर उधर कहीं दिख रहा होगा। चलिए फिर, तो थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस आपका कुछ यूं दे रखा है, एक टेबल बनी हुई है, मैं वो टेबल यहाँ बनाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, पहली संख्या हमारी 128 है, दूसरी संख्या 990 है, तीसरी संख्या 1586, चौथी संख्या 275, उसके बाद 66, 86, फिर उसके बाद 63, 92, 10, फिर उसके बाद 42, 97, 14, फिर 2856, फिर 30, 60 और उसके बाद 40, 68, 39। इतनी संख्याएं दी हुई है, इधर लिखा हुआ है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है, 6 के बाद लिखा हुआ है 7 नहीं है, 8, 9, 10, 11, ठीक है। पहला एक करके आपको समझाया है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हाँ दी हुई संख्या 2 से विभाज्य है, यहाँ लिखा हुआ है नहीं, मतलब ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है हाँ, यहाँ लिखा हुआ है नहीं, यहाँ भी लिखा हुआ है नहीं, यहाँ हाँ, यहाँ नहीं, नहीं 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 नहीं, हर जगह क्या है नहीं नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमें भी बताना पड़ेगा, हाँ नहीं लिख रहे हैं, मैंने सही गलत कर दिया, आप समझदार हो। चलिए देखिए, अब बताते हैं हम लोग 290 का, आप बताइए 290 लास्ट में 0, 2, 4 कैसे अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह 2 से विभाज्य होगा, यानी ये है, ये भी है। अब 4 से भाग दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, विभाज्य होने चाहिए 4 से, नहीं है, ये भी है। 6 से भाग दीजिए, 6 से भाजता के नियम है, 2 और 3 से कटा तो 6 से भी कट जाएगा। 8 से देखिए, 8 का भाजता का नियम कि ये तीनों ही अंक क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए, तो 8 से भाग देखिए, देखो 8 का नाम 8, 1 बचेगा, 8 × 2 = 16, 3 बचेगा, नहीं कटेगा, नहीं है। 9 से भी ये है, 10 से भी है, 11 से भी है, इतना ये तो सिंपल था ना, छोटा सा था, ऐसे तो अपन इसे बता सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये संख्या 2 से है बिकॉज इसके पीछे 6 आया है, 3 से है कि नहीं, देखिए 6, 6, 6, 12, 12, 6, 12, 8, 12, 8, 20 हो जाएगा, यानी है 3 से विभाज्य नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 और 3 से विभाज्य होता तभी 6 से होता, क्योंकि देखिए इसके आप प्रत्येक अंक को जोड़िए, 1, 5, 8, 6, 6, 8, 6, 14 और 14, 6, 20 आ जाएगा, और 20 कभी भी 3 से विभाज्य नहीं होता, 3 से नहीं तो 6 से भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद 4 से बताना है, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 4 × 8 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 8 से बताना है, 3 डिजिट 8 से 56, 2 बचा, नहीं कटेगा, 9 से बताइए, जोड़े थे तो 20 आया था, क्या 20 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं आएगा, 10 से कटेगा, पीछे 0 है ही नहीं, नहीं कटेगा। चलिए अगर हम यहाँ विषम, यहाँ सम, यहाँ विषम, यहाँ सम जोड़ दे तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ 6, 5, 11 हो जाएगा, अंतर आ जाएगा इसका 2, ये भी नहीं, ऐसे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगली संख्या का करते हैं, नहीं कटेगा, क्या होगा, नहीं कटेगा, 9, 2, 11, 5, 14 नहीं कटेगा, 4 से जहां तक उम्मीद है नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 6 से जब 2, 3 से नहीं तो 6 से क्या कटेगा, ये भी नहीं, उसके बाद 8 से नहीं कटेगा, नहीं तो देख लो कोई चांसेस नहीं है, नहीं कटेगा, 9 से देख लीजिए, 9 से कितना जोड़ा था हम लोगों ने, कितना जोड़ा था, 9, 2, 11, 14 नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। अब बात रही उसकी
तो विषम सम विषम सात, देखिए विषम विषम को जोड़ेंगे तो सात, और सात सात का अंतर जीरो, ग्यारह से ये कट जाएगा, ठीक है, ग्यारह वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसका देखिए, ये वाला दो से कट जाएगा, पीछे छह आया हुआ है, तीन से देख लीजिए, छा छा बारह, छात्री का अठारह, अठारह अठारह से कितना हो जाता है बताइए, अठारह आठ है, अठारह आठ छब्बीस हो जाता है, यानी इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, अठारह आठ छब्बीस, छब्बीस में नौ से भाग दोगे तो यानी इससे भी नहीं कटेगा, तीन और दो से भाग जोगा तभी छह से, तो ये भी गलत हो गया, इससे भी नहीं कटेगा। चार की बात कर ले, देखिए लास्ट के दो डिजिट चार से नहीं डिवाइड होंगे, पांच के लिए जीरो और पांच होना चाहिए, है ही नहीं। आठ की बात करिए, तीन तो देखिए आठ हटाई क्या हो जाता है, चौसठ, चार बचेगा आठ छह अड़तालीस, नहीं कटेगा, दस से नहीं कटेगी। ग्यारह की बात करते हैं, देखिए विषम सम विषम सम विषम यानी आठ छह क्या हो जाएगा, आठ छह चौदह हो जाएगा, और छह छह बारह, कोई चांस नहीं, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा बच्चों, इसीलिए मैंने पहले विभाजता का नियम बताया, नहीं तो अभी विभाजता का नियम बिना बताया ऐसे करते तो आप लोग कहते पता नहीं मैम भी पागल है, हम लोग भी पागल कर देंगे। भाई पहले विभाजता का नियम मैंने बता दिया है, ठीक है। केसरी उधर जाओ, बहुत मारेंगे। अब उसके बाद ये वाली संख्या देखिए, ये भाई दो से कटेगी क्योंकि पीछे इसके जीरो है, तीन से देखिए कटेगी कि नहीं कटेगी, तो तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप लोगों ने चेक किया या नहीं किया, देखिए तीन से पहले प्रत्येक अंक को जोड़ लेते हैं, देखिए छाती नौ 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 अठारह दो बीस, एक इक्कीस कट गया, लेकिन नौ से इक्कीस नहीं कटेगा, तो यहाँ पे कट्टम पहले ही लगा दीजिए, इन दोनों से कटा है तो यानी छह से भी कट जाएगा, इतना तो अपने आप सॉल्व हो गया। चलिए चार पे आइए, लास्ट के दो डिजिट चार से नहीं कटेंगे, गलत, पांच से भाई पीछे जीरो है कटेगा, दस से भी टिक कर दीजिए, बचा हमारा आठ, तीन डिजिट आठ दुनी सोलह, सोलह पांच इक्कीस होगा तो पांच बचेगा ना, सोलह पांच तो इक्कीस होता है, तो आठ से भी नहीं कटेगा। ग्यारह की बात कर लेते हैं, विषम सम विषम सम विषम सम, तो देखिए विषम विषम को जोड़ लेते हैं, नौ छ पंद्रह, अब पंद्रह एक सोलह, उसके बाद सम सम को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा तीन दो पांच, इसमें से पांच घटा देंगे ग्यारह, यानी कट जाएगा क्योंकि ये ग्यारह ग्यारह से कट जाएगा, यानी ग्यारह से विभाज्य होने वाली संख्या भी आएगी तब पर भी ग्यारह से विभाज्य हो जाएगा। चलिए इसे इसे चेक करिए, भाई दो से तो कटेगा, देखिए लास्ट के दो डिजिट चौदह है यानी चार से नहीं कटेगा, तीन जुट देख लीजिए तो आठ हटाई चौसठ, आठ नौ बहत्तर, आठ हटाई चौसठ सात बटेगा, सात बचेगा, आठ से भी नहीं कटेगा, हटाइए। चलिए जोड़िए, चार चार दो छ, चार दो छ, छ नौ पंद्रह, पंद्रह सात बाईस, बाईस एक तेईस, तेईस चार सत्ताईस, तीन से भी कटेगा और नौ से भी कटेगा, अगर इन दोनों से कटा है तो छह से भी कटेगा, लास्ट में पांच नहीं यानी इससे नहीं कटेगा, यानी ये क्या है दस से भी नहीं कटेगा, ग्यारह से यही चेक करिए, तो विषम सम विषम सम विषम सम विषम विषम को जोड़िए, देखिए नौ चार तेरह, तेरह एक चौदह, सम सम को जोड़िए, सात दो नौ, सात तो नौ, नौ चार तेरह होता है, नहीं कटेगा, कट्टम कुट्टम, ठीक है। अगर थोड़ा सा कहीं जोड़ मिस्टेक हो जाए तो समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ भाई लास्ट में सिक्स है, दो से तो कट जाएगा, तीन से देखिए आठ दो दस, दस पांच पंद्रह, पंद्रह छह इक्कीस, तीन से कटेगा लेकिन नौ से नहीं कटेगा, तो चार से बताइए, चार का नाम चार, चार चौ सोलह, चार से भी कटेगा, पांच से नहीं कटेगा, छह से दो और तीन से कटा है तो छह से तो अपने आप कटेगा, आठ से कटेगा, आठ का नाम आठ, आठ सत्तर छप्पन, आठ से भी कटेगा लेकिन नौ से नहीं कटेगा, दस से नहीं कटेगा, ग्यारह से देखिए विषम सम विषम सम, यहाँ आ जाएगा सात और आठ सात, देखिए विषम विषम को जोड़ ले तो सात आ जाएगा और आठ छह कितना होता है, आठ छह चौदह, चौदह में से सात जाएगा सात, इससे भी नहीं कटेगा। चलिए दो संख्याएं भी और बची हुई है इसमें, इससे कटेगा, इससे भी कटेगा क्योंकि नौ जोड़ने पे आ रहा है, जोड़ोगे तो नौ आएगा, चार लास्ट के दो डिजिट सही है सही है सही है, आठ की बात कर लो, लास्ट के तीन डिजिट देखिए आठ से नहीं कट रहे हैं तो आठ से नहीं कटेगा, नौ से कटेगा, दस से कटेगा, और भाई विषम सम विषम सम विषम विषम जोड़ लोगे तो छह तीन नौ आ जाएगा और सम जीरो घटाओगे तो गड़बड़ सब, ये भी नहीं है। चलिए इसे देखिए, दो से तो नहीं कटेगा, तीन से देख लेते हैं, छह चार दस आठ अठारह तीन, अठारह तीन इक्कीस नौ,
तीस भाई तीन से कटेगा, चार से नहीं कटेगा, पांच से नहीं कटेगा, छह से नहीं कटेगा, उसके बाद आठ है, आठ का नाम आठ, आठ से भी नहीं कटेगा, उसके बाद नौ क्या आया था, नौ से कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि तीस आया था जोड़ने, दस से नहीं कटेगा, ग्यारह से देख लीजिए विषम सम विषम सम विषम सम, छह चार दस तीन तेरह और नौ नौ सात कितना होता है, नौ आठ सत्रह, सत्रह में से तेरह जाएगा, कोई फायदा नहीं। ये भी तो ये रहे आपके इस पहले प्रश्न का हल, अभी तक हम लोग केवल पहले प्रश्न को हल किए हैं, अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन से, बाकी आप लोग कर लो बच्चों कर, अब करना क्या, मैंने सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि विभाज्यता के जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या चार से विभाज्य है और कौन सी संख्या आठ से। यहाँ कुछ आपको संख्याएं दी हुई हैं और बतानी है कि इन सभी संख्याओं में कौन सी चार से विभाज्य है, कौन सी आठ से। तो पहली संख्या हमारी 572 है, दूसरी संख्या हमारी 72, 63, 52, पहले लिख ले फिर आपको समझा देंगे। इधर 5500 है, इधर 6000 है, इधर 12159 है, इधर 14560 है, उसके बाद 21084, उसके बाद 379502, इधर 1700, फिर 2150। बताना है इन सभी संख्याओं में कौन सी चार से विभाज्य है और कौन सी आठ से विभाज्य है। तो चार और आठ की विभाज्यता का नियम याद है कि नहीं, याद है, अच्छी बात है। चलो लास्ट के दो डिजिट, चार दूनी क्या होगा, नहीं चार का नाम चार, तीन बचेगा, चार आठ 32, यानी ये चार से विभाज्य है। आठ से देख लो, आठ से देख लो, आठ आठ सात 56, एक बचेगा, आठ से विभाज्य नहीं है, हटाओ, केवल ये चार से विभाज्य, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर चार का नाम चार चलती है 12, ये भी चार से विभाज्य है। लास्ट के दो दो डिजिट चार से कटेंगे हैं भाई, अगर हम जीरो में चार से भाग लगाइए, चलिए लगाइए, फिर क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो यानी ये भी चार से विभाज्य है, ये भी चार से विभाज्य है। देखिए चार का नाम चार, ये चार से नहीं विभाज्य, आठ से कटेगा, आठ का नाम आठ, आठ का नाम आठ, ये चार से विभाज्य है। देखिए लास्ट के दो डिजिट पकड़िए 89, चार से अगर इसको मैं से भाग देंगे तो एक बचेगा, नहीं कटेगा। तीन डिजिट ले को आठ से भाग दे तो आठ का नाम आठ आएगा, क्या आएगा आठ, ठीक है। आठ दो उधर बचा, पांच उधर, तो पांच दो सात हो जाएगा। ये भी ना, ये तो ना आठ से कटी और ना ही चार से कटी। कैसा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। ये ना तो चार से विभाज्य है, ना से नहीं आठ से, देख रहे थे बच्चों उत्तर सही है कि गलत, ये आई मीन ऐसे करते हैं, किसी से नहीं विभाज्य, ठीक है। उसके बाद लास्ट के देखिए, चार से विभाज्य है, चार का नाम चार, चार पंजे 20 सही है, ये चार, ये भी सही है, ये चार से कटेगा, चार अठ 32 सही है, सही है, ये चार से नहीं कटेगा। तो ये आठ से देख लेते हैं, आठ का नाम आठ, आठ का नाम आठ, बताना कितना बचेगा, दो उधर बच जाएगा, पांच इधर, तो पांच दो सात, ये आठ से भी नहीं कटेगा, चार से भी नहीं कटेगा, यानी ये शायद किसी से ना विभाज्य हो। ठीक है, ये किसी से नहीं विभाज्य, तो देख लीजिए इसका भी उत्तर बता दिया, ये दोनों संख्याएं किसी से नहीं विभाज्य, बाकी ये सब चार से विभाज्य, सभी तरह से विभाज्य, आठ से तो कोई विभाज्य ही नहीं हुई। बाकी हाँ आप लोग ये भी चेक कर ला, चेक कर लेना कहीं जो संख्या चार से है वो आठ से भी ना हो, जैसे इसे देख लो, अगर इसे हम आठ से भाग दे तो आठ का आठ, आठ से 16, आठ से आठ चौके क्या हो जाएगा 32, तीन बचेगा फिर, यानी ये आठ से भी विभाज्य है, ठीक है। वैसे इसे भी देख लो, ये तो शायद ही कट जाए इस ये, लेकिन ये भी आठ से ही विभाज्य है, आठ से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इन सारी चीजों को आप लोग चेक कर लो, ऐसे से इधर 8 से 56, ये भी आठ से विभाज्य है, चार से भी कटेगी और आठ से भी कटेगी, इसे देख लो, ये आठ से कट जाएगी,
नहीं कटेगी, छोड़ दो गोली मारो इसे। 8, 9, 72 ये भी 8 से भी भाज्य है, 4 से भी है और 8 से भी है, इसे देख लेना, ऐसे ऐसे चेक कर लो क्योंकि कुछ संख्याएं 8 और 4 दोनों से विभाज्य है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब भाई आपको विभाज्यता का नियम पता ही है, अब तो आप लोग कर ही सकते हो। लास्ट के 2 डिजिट 4 और 3 डिजिट पकड़ के सही कर दो। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे आइए। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी 6 से विभाज्य है। कुछ सवाल दे रखी हुई है, बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या और ये हमारी तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या और ये पांचवी संख्या। चलिए पहले इन पांचों को हल कर लेते हैं। 2 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है देखिए, क्योंकि विभाज्यता का 6 से विभाज्यता का नियम 2 और 3 से विभाज्य होगी, तो 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो यह संख्या सबसे पहली बार 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम देखिए, 9, 10, 11, 11, 7, 18, 19, 11, 7, 18, 19, 19, 4, 23, 23, 4, 27, 3 से विभाज्य है, यानी ये 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 6 से विभाज्य है, इसे देखिए, 2 से तो विभाज्य है ही, 3 से देख लीजिए तो 3 होगा, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 3 से नहीं विभाज्य, यानी 6 से नहीं विभाज्य है। 2 से नहीं विभाज्य है तो यानी 6 से भी नहीं विभाज्य है, 2 से नहीं विभाज्य तो 6 से भी नहीं विभाज्य, 2 से विभाज्य 3 से देख लेते हैं, 9, 1, 10, 10, 3, 13, 13, 5, 18, 2, 20 नहीं है। देख ये 5 सवालों में क्या गया उत्तर, नहीं आ गया। अगली 5 सवालों में देख लेते हैं, अगली 5 सवालों में देख लेते हैं, अगली 5 सवाल हमारी हैं बच्चों, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए इस वजह से मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो, मैंने सारे विभाज्यता का नियम शुरुआती में ही आप लोगों को बता दिया था। ये आगे के 5 क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या 6 से है कौन सी नहीं। तो पहला मैटर ये तो नहीं है, क्योंकि जब ये 2 से ही नहीं विभाज्य है तो आगे क्या करें, बाकी ये चारों 2 से विभाज्य है, चारों ही क्या है 2 से विभाज्य है, देख के बता सकते हो। अब बात करते हैं 3 वाले पे, किस पे बात करते हैं 3 वाले पे, तो देखिए 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 5, 19, 19, 7, 27 विभाज्य है, 6 से कटेगी वो, यह संख्या क्या है 6 से विभाज्य है। उसके बाद देखिए 8, 1, 9, 7, 1, 8, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 20, 9, 29, 31 है, 6 से विभाज्य होगी। चलिए ये तो पहले ही नहीं होगी, इसे क्या देखना चेक करना, यहाँ पे देखिए 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 2, 20, 21 यह भी 6 से विभाज्य है। उसके बाद इसे देख लीजिए, तो 8, 7, 1, 8, 8, 8, 16, 16, 2, 21 होगा, 21, 2, 23 यह संख्या विभाज्य नहीं है 6 से। तो आई होप आप देख सकते हो ये भी 6 से नहीं विभाज्य, तो आप अपना बना लेना कायदे से, मैंने यहाँ आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम था, जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वह 6 से भी कट जाएगी, तो भाई ये केवल 2 और 3 से कटी, ये भी ये 6 पता नहीं 3 से कटी कि नहीं, 2 से तो नहीं कटी, इसलिए पहले ये मैं इसे हटा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब हमें बताना है कि कोई संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी हैं, चलिए ये लिख लेते हैं। पहला तो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के रूप में बता दिया था, तो आप लोग इसको सही कर लो, विभाज्य है ये। उसके बाद देखिए लिख लें इसको, ये लिखा हुआ है। उसके बाद 60, 16, 93, 08 पता नहीं कितना 0, 0, 0, 0, 3, 3, 6, 0, 3 फिर 1 फिर 92, 91, 93 आई मीन ये क्वेश्चन बता रहा है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है कौन सी नहीं। तो चलिए ये तो पहले ही कर दिया था, इसे छोड़िए, विषम, सम, विषम, सम, विषम। तो देखिए 8, 1, 9, 9, 4, 9, 4, 13 और सम सम को जोड़ोगे तो यहाँ 2 ही आएगा, 11 से विभाज्य यानी ये संख्या सही है। चलिए विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम,
तो 7 3 10 10 9 19 19 5 24 माइनस 8 1 9 9 6 9 6 15 ग्यारह बीस, देखिए 24 में से 15 ऐसे घटाइए भाई, 15 इधर 4 उधर 9 ही आएगा, तो यह भी संख्या 11 से विभाज्य नहीं, घटाने पे 9 आएगा, कहाँ 11 से घटेगा ना। उसके बाद देखिए विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम, अब देखिए बताइए विषम विषम को जोड़ते हैं तो 7 1 8 9 8 17 17 0 कुछ नहीं, सम को जोड़िए 0 6 6 6 3 9 9 8 कितना होगा 9 8 9 8 फिर 17, यानी यह संख्या भी क्या है 11 से विभाज्य, क्योंकि 0 आ गया। फिर देखिए विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम, विषम का योग भी एक, सम का योग भी एक, अंतर 0, यानी संख्या 11 से विभाज्य। उसके बाद विषम सम विषम सम विषम सम, विषम विषम को जोड़ लेते हैं तो देखो 9 1 10 10 5 15, अब सम को जोड़ लेते हो तो 0 1 4 11 आ जाएगा, यानी यह संख्या भी 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया हुआ था, अगर घटा सम और विषम के पदों के योग को घटाने पर 0 आ जाए या फिर 11 से विभक्त होने वाली संख्या आ जाए तो वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया मैंने। चलिए आगे के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ किस प्रकार है आप लोग को दिखाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा कि निम्न में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक क्या भरे कि वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। लिखा हुआ है डैश डैश डैश, ये पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 7 6 5 डैश 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 2, ठीक है। आप इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटे कौन से अंक भर दो कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो पहले हमें बताओ 3 से विभाज्यता का नियम, प्रत्येक अंक का योग 3 से कट जाना चाहिए, तो अगर इसे हम जोड़े तो क्या आ गया। देखिए 7 6 13 इसे जोड़ोगे तो 6 19 आ गया। सब इस अब बताइए 3 से विभाज्य होने के लिए कितनी संख्या कम है। अगर ये 21 होता तो ये 3 से कट जाता, यानी कितनी संख्या कम थी 2, यानी छोटी से छोटी संख्या अगर हम 2 रख दे तो, और बड़ी से बड़ी क्या रख दो, तो अगर 19 में हम 8 जोड़ दें तो 27 आ जाएगा। तो छोटी से छोटी 2 हो जाएगी, बड़ी से बड़ी 8 हो जाएगी, ऐसे इसको कर लीजिए। देखिए 7 4 11 11 6 17 17 5 17 5 22 22 2 24 8 3 3 8 24 ये तो ऐसे ही कट जाएगी है ना, ये संख्या तो वैसे भी विभाज्य होगी। देखिए इसमें तो कुछ जरूरत जो आप इसमें 0 जोड़ सकते हो, छोटी छोटी क्या जोड़ोगे इसमें 0 जोड़ सकते हो तभी ये कटेगा। तो यहाँ पे छोटी छोटी 0, बड़ी से बड़ी क्या जोड़ोगे, अब अगली 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 27 है तो बड़ी से बड़ी इसमें हम 3 जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं 3 जोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। और बड़ी जोड़ना चाहते हो तो आप इसमें 9 भी जोड़ सकते हो, 6 भी जोड़ सकते हो, ठीक है, बड़ी से बड़ी, बस इतनी बड़ी मत जाना कि नहीं तो, क्योंकि 3 से बहुत सारी संख्या विभाज्य होगी तो कितनी बड़ी जोड़ोगे, टेबल में ही रहो तो ज्यादा अच्छा। हाँ वैसे आपका 6 ज्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेबल में मतलब 10 तक माना जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। जैसे ये नियम था वैसे वो भी कह रहा है डैश 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 3 8 9, दूसरी संख्या थी 8 डैश डैश 9 4 8 4। चलिए देखिए विषम सम विषम सम विषम सम, पद खाली विषम का है, जोड़िए 9 9 8 आ जाएगा 17, एक विषम संख्या नहीं पता, माना यक्ष, इसमें आप क्या जोड़ दो, मैंने माना यक्ष। और देखिए सम पदों का योग जो आया था वो 14 आया था, क्या आया था, मतलब इसमें आप क्या जोड़ दो कि अगर उसमें से 14 घटा दो तो 11 आ जाए, क्या आ जाए 11 आ जाए, 0 नहीं कर सकते 11। अब इसे हल कर लो तो 17 ये माइनस में उधर जाके प्लस में 25, और ये प्लस में उधर जाके माइनस में 25, में से 17 जाएगा उत्तर आ जाएगा 8, यानी आप इसमें क्या जोड़ सकते हो 8। वैसे इसमें कर लो देखो विषम सम विषम सम विषम सम, यहाँ पे सम का पद खाली रह गया, विषम विषम को जोड़ो तो 9 8 17 9 8 17 17 8 25 हो गया, क्या आ गया 25, क्या आ गया 25 आ गया। उसके बाद जब मैंने सम सम को ऐड किया तो देखिए 4 4 8 4 4 8, और इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि अगर इसको हम मतलब 8 में क्या जोड़ो, माना मैंने
मैंने या मैं मान रहे हूँ यहाँ यक्ष संख्या, यानी अगर हम 8 में यक्ष जोड़ दे और उसे 25 में से घटा देंगे तो उत्तर हमारा 11 आ जाएगा। अब बताइए इसे, अब देखिए होगा क्या, इस माइनस का गुणा यहाँ माइनस में यहाँ भी आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब ये किसमें है, प्लस में है, उधर जाके किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 19 में से 25 जाएगा तो 6 आ जाएगा, माइनस माइनस कट, यानी यहाँ x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। अभी हमारी ये प्रश्नावली हो गई समाप्त। ये प्रश्नावली सवालदार नहीं थी, लेकिन जो सवाल थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली प्रश्नावली में, अगली प्रश्नावली को हल करेंगे, वहां के सवालों को हल करेंगे। जय हिंद।